डिंडौरी में नेशनल हाईवे जबलपुर अमरकंटक मार्ग के कम मुआवजा दिए जाने को लेकर किसानों ने कलेक्टर से शिकायत की है। उनका कहना है कि एनएच से मिलने वाली राशि में किसानों से सौतेले जैसा व्यवहार किया जा रहा है। डिंडौरी में नर्मदा एक्सप्रेस वे के नाम से बन रहे नेशनल हाईवे में किसानों ने आरोप लगाया कि एनएच से मिलने वाली राहत राशि में किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। किसी को ज्यादा तो किसी को कम मुआवजा राशि दी जा रही है, जिसे लेकर किसानों ने कलेक्टर से शिकायत की है और मांग की है कि एनएच की गाइडलाइन के अनुसार संबंधित किसानों को राहत राशि दी जाए। आज डिंडौरी कलेक्ट्रेट पहुंचे, क्या समस्या है? यहाँ आवेदन दे रहे हैं। किस चीज का आवेदन देने आए हैं आज? ये हमारे खेत से रोड जा रही है। कौन सी रोड जा रही है? नेशनल हाईवे। रोड जा रही है तो क्या समस्या आ रही है? ये हमारे आजू बाजू वालों का बहुत पैसा बना, हमारा बिल्कुल कम बना। कितनी जमीन है आपकी? हमारी वहाँ 5 एकड़ करीब। कितना मुआवजा बना है? 2 लाख। कितना? 19,000। 2,09,000। आपके हिसाब से कितना बनना चाहिए था उसका? हमारे हिसाब से 50 लाख बनना चाहिए। पूरी जमीन जा रही है, बीचों बीच कट रही है जमीन। क्या चाहते हैं आप? हमको मुआवजा अच्छा दिया जाए। ये तो जमीन के बदले जमीन दिया जाए। जमीन फंसी है जो एनएच का, वो जमीन फंसी है एनएच का, तो उसमें से कम पैसे बनाए हैं और जमीन अधिक फंसी है और पैसे उसकी मौजा राशि कम बनाए, जिससे कि इनको मतलब किसानों को बहुत तकलीफ हो रहा है कि इतना में हमारे जिसकी जमीन पूरी चला जाएगा तो उनका जीविका अर्जन कुछ कैसे होगा। इन लोग का कहना है कि हमें मुआवजा कम मिला है। गड़बड़ी कुछ नहीं था, वो तो प्रोसीजर है ऐसा, यदि कभी किसी को किसी कम मिलता है या कोई अर्जी संचित होता है तो कलेक्टर के यहाँ वो अपील करता है। नहीं नहीं, वो तो यहीं से SDM साहब ही अवार्ड पारित करते हैं कितना मुआवजा बनना है क्या बनना है, ये कलेक्टर साहब समाधान करेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।